पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे वो लगाया भी मुकदमा लगे हो गए क्यों कौन लगे अभी क्या और थे मैं लगा के मैं बोलते बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पुलिस वाला बार मैं जानी कौन दी पिटाई कर ले सिंह एमएलए साहब आ जाओ ओके विधानसभा बार को रहने दो मैं कह हाकम अली और रफीक खान बाहर आएंगे और तेरी जत्ती फौज है बत्ती लगा ली तेरी जीता गुंडा इसे ले ही अकेला होगा अकेला मैं इनके दिवाली को करता मारता को नहीं लेकिन उस जाति सूचक गाड़ी थी माने जाति सूचक गाड़ी थी भटाई पकड़ के मेघ पांच सात डायरी मैं कुर्सी के लाल डायरी विधानसभा मैं कुर्सी मैं तो तेरी लाल डायरी के कोई देखना माना आज फिर चले गए ओवैसी जी के ने ओवैसी मेरा भाई है ओवैसी भी हाल चाल देख लिया बोलो आए बाण आप दोनों एक सी राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ मुख्यमंत्री गुलदस्तों देता हूँ वो गुलदस्तों तो कई दिन दिए क्या कई दिन आए हो चुनाव लड़ने खातर फार्म भरने का शेर आ गयो वो शेर आयो तोड़ाने खातर कान उकसा के कहीं बुलडोजर में चलवाऊ पुलिस वाला उकसा के लाठी चार्ज कराऊ और दो चार का टांग तोड़वाऊ और 10-20 का मुकदमा लगवाऊ झुंझुनू का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद ज्वेलरी शोरूम आलम ज्वेलर्स मोनू कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 1 झुंझुनू बीजेपी वाला बहुत स्ट्रेटजी से काम करियो लेकिन ए भूल गया कि झुंझुनू का मुसलमान इतना बड़ा को नहीं ए इन लया ई खातर है ते शायद फोटो देखियो कि राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ मुख्यमंत्री ने गुलदस्तों देता वो गुलदस्तों तो कई दिन दियो क्या कई दिन आयो चुनाव लड़ने खातर फार्म भरने खातर के गुड्डा बड़े जाकी और बीजेपी ने जिता लिया कांग्रेस ने रही तेन मन कटन कट सेट कर देगा लेकिन सपने भी मत सोच कि बीजेपी ने तो मुसलमान वोट देंगे नहीं फिर तू बढ़ जाके मुसलमानों को मसीहा बन जा मसीहा बन तो बन जा तो मैं मानता बात ने कह दे 5 साल में तू पावर में हो मंत्री हो दो मुला मातो और मीटिंग कर तो बोलो भी थारी के मांग है मन बताओ जो तो मैं मानता हटाओ सांसद की सीट जीत गई कांग्रेस सांसद बन गया सीट खाली हुई और अब देखो वो मैदान खाली है और वो खाली खातर को नहीं आयो वो तो सिर्फ और सिर्फ बी टीम बन के आयो वो लेके आता कोई पार्टी की टिकट कांग्रेस की बीजेपी कोई सी की पहले तो जाके बड़ा महाराष्ट्र का माइंड समझो तो करे के बाबी कौन सी शिवसेना से हूं देखो आपके पूरे जन्मदात को और जगो आज तक ऊपर तक लेके गया अभी कोई कोने से बिन धोखो दे के बड़ा पार्टी बना रहे सरकार बनाई बिन अटे मुख्यमंत्री लेके आयो मैं थारी पार्टी हूँ राजस्थान में शिवसेना कर देसी हूँ और आप आ रहे जब वो मुख्यमंत्री बोले तू तो कहो मैं राजस्थान में शिवसेना कर दे तू खुद ही कौन जीते हो फिर चले गए ओवैसी जी के ने ओवैसी मेरा भाई है ओवैसी हाल चाल देख लिया बोलो आए बाण आप दोनों एक सी ये बाण के एक सी आप दोनों एक सी ओवैसी देखे ओ अपन ठक्की खा गो क्योंकि वो भी ठक्की खा रहे वो देखे वो अपने ऊपर की खड़े जाएगो तो बिल लेके अगर मैं ओवैसी मेरा भाई है मेरा धर्म भाई है मैं चुनाव लड़ूंगा ये करूंगा वो करूंगा कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ धोखो है धोखो जवानो धोखे के अलावा कुछ नहीं है मैं कह तो बहुत बार ब्रजेंद्र जी साहब ने भी मैं कह तो कि यो अशोक गहलोत को खास आदमी है मारा कहते विश्वास ही को जो तो मैं कह तो भाई जी अशोक गहलोत को बहुत नजदीकी आदमी है अशोक गहलोत का वो तो ही काम करे हो और जो लागी ने तके जो अशोक गहलोत के मारी लात की बोले चाल तू भी ठोली कर बालेर भाग्य लाल डायरी मैं कुर्सी के लाल डायरी विधानसभा मैं कुर्सी मैं तो तेरी लाल डायरी के कोई देखना माना आज मैं लाल डायरी को उसकी मेल है मैं रफीक आदर्श नगर से विधायक है बदुंदना और मैं तेरी लाल भटाओ मान ललकारिया एक गलत शब्द बोले हो मैं इनके दिवाली को करता मारता को नहीं लेकिन उस जाति सूचक गाड़ी थी माने जाति सूचक गाड़ी थी भटाई पकड़ के मेघ पांच सात बुंदू है बुंदू क्यों ही को नहीं है डायरी कोस की लात की देखनी विधानसभा बारह काटे मो चल तेरी जोधन करना हो पहले बहुत अच्छी बात है ओके विधानसभा बारह को रहने दो मैं कह हाकम अली और रफीक खान बाहर आएंगे और तेरी जत्ती फौज है बत्ती लगा ली तेरी जीता गुंडा इसे ले ही अकेला आवांगा अकेला ललकारू मैं तेने अकेला आवांगा और अकेला निकले उठाऊ विधानसभा में से रफीक दूसरे ठीक निकले और मैं ठीक निकले सके बीच की निकला क्योंकि हिम्मत
बहुत जगह दादागिरी करो, दादागिरी दिखाओ, विधानसभा का ढा ढा रहे हो कि मन मारे विधानसभा के यार अब तो बड़ो दादो तू सिर्फ धोखो है जवानों, धोखा गला कुछ नहीं है। युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा गलत लाइन मत जाओ, लाइन चूक जाओगा चार साल दुख पाओगा, चार साल तक, चार साल बाद में कोई धन संभालना होगा, कोई नहीं संभालना होगा। अगर चार साल तक संभालेगा तो कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा ही संभालेगा, विजेंद्र जी ओला संभालेगा, अमित ओला संभालेगा और मैं संभालेगा। एक वह दिखाओ और एक वह प्रैक्टिकल में काम कर लो, धरातल पर काम कर लो। जब भाई नगमा वार करी ने कॉम्प्लेक्स तोड़ने खातर वो शेर आ गयो, वो शेर आयो तोड़ाने खातरे कान उकसा की कहे बुलडोजर में चलवाऊ, पुलिस वाला नुकसान के लाठी चार्ज कराऊं और दो चार का टांग तुड़वाऊं और 10-20 का मुकदमा लगवाऊं, एक खतर आयो वोट है नहीं। ये रहे बजेंद्र जी ओला कलेक्टर बैठा, बुला करके पूछ लो कलेक्टर को मीडिया के सामने, और उन्होंने फोन किया कि माननीय कलेक्टर साहब कौन सा तरीका है कि एक अधिकारी रिल्यू हो गया और उसके बाद आचार संहिता में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, कहां लिखा है, कौन सा संविधान कौन से कानून में लिखा हुआ है? तो कलेक्टर का साहब अभी वापस बुलाता हूं, अगर कहा कलेक्टर साहब नहीं बुला तो मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूं। तो चीफ सेक्रेटरी का जब नाम लिया तो कलेक्टर ने कहा साहब नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, और एसपी को कहा कि आपकी फोर्स को वापस बुला लो वहां से, वो जो कमिश्नर है वो गलत काम करने के लिए जा रही है, वो रिलीव हुई हुई है। और आपको पता है कि रिलीव होने के बाद कोई आदमी काम कौन कर सकेगा किस सीट के ऊपर बैठ के? ये बात को ज्ञान साइथानसेन को नहीं हो कि बाबा बड़ो रिलीव हो चुकी और अब बीजेपी वाले दबाव में जाएगी, बाबा सिर्फ इनके मार्केट ना तोड़ दे हवा खराब कर दू। ओ भाई पूछ के होगा पक्ष ना जावे इन उकसावा क्या बिक्री उकसा करके बुलडोजर चलावा झाड़ लगा, कई बार कौन करांगे कोई मारनो ढंडो बिगन टुक 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 करके फिर वो मारने भागे, तो मैं उकसाने भी हो तो कोई बचाने कौन भी हो दिमाग से निकाल दे। और जितना भी है भाई नौजवान से मैं कहना चाहूं कि सिर्फ और सिर्फ थाना उकसा रहे है वो कह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे, वो लगाए भी मुकदमे लगे हो गए क्यों लगे भी गए और थे मैं लगा कि मैं बोलते बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पुलिस वाला बार मैं जानी खुदी बैठे गाले से एम एल ए साहब आ जाओ देश द्रोह को मुकदमे कर पर इसलिए कभी ने संरक्षण है सरकार को जयपुर में बैठी जो सरकार है ना कह रहा कि तू खुलो बोल कोई डांट को नहीं तेरे मर्जी में बोल, लेकिन मैं भी मारा बे संस्कार को नहीं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हाँ, 36 कौम ने साथ लेके चला, 36 कौम की बात करा, 36 कौम को काम करा और सही सभ्य भाषा का मैंने बात करा, अया बेड़े तेरे बात कौन करा, बेड़े तेरे बात करा तो बार मैं भी नहीं बता देना मैं सब कुछ जाना लेकिन बेड़े जत्ती फालतू कौन करा। इसलिए नौजवानों से मेरी खास अपील है कि मैं तुम कहना चाहूँ शायद मेरा फतेहपुर का वीडियो वगैरह देखता होगा, फोटो देखता होगा, सोशल मीडिया में देखता भी होगा, यहाँ का मैं बहुत सारा धरना देना है, बहुत सारा मेरा नाटक करना है, लेकिन भाई रे के अंदर रह की कोई भी अधिकारी आने केस के मान के गलत बोलोगे ऐसे भी बोलोगे। इसलिए जो जटे है वो कहना जी बूढ़ी अक्के बद कहता पेट वाले के हाथ पर गोद अलग लात कदी नहीं मारनी चाहिए, बेरो नहीं लुल्लो लंगड़ो जल में गो किसोखे जल में गो जो गोद में ने भी पर आस रखो भी की उम्मीद रखो वो ठीक रसी और आगे से पीछो बोलो। कई बार आप आवेश मार के मार जाओगे नहीं और यार के दिखाने के मैंने के दिखा रहे ओ देखो के बोले वो देखो पुलिस वाले के बोले देखो के बोले और पांच सात के जोश जोश में थे बोल जी से और मुकदमा जैसे लाग वो चले जी जयपुर उदयपुर वाटी और फिर थे कोर्ट भी 4 तारीख फिरता फिर न पासपोर्ट बनेगा और न कोई नौकरी बढ़ जाऊंगा।